अंतर्यामी श्री गुरु अंगद साहिब जी। श्री गुरु अंगद साहिब जी की सपुत्री बीबी अमरो श्री अमरदास जी के भतीजे से विवाहित थीं। आपने बीबी अमरो जी से कहा कि पुत्री, मुझे अपने पिता गुरु के पास ले चलो, मैं उनके दर्शन करके अपना जीवन सफल करना चाहता हूँ। पिता समान वृद्ध श्री अमरदास जी की बात को सुनकर बीबी जी अपने घर वालों से आज्ञा लेकर आपको गाड़ी में बिठाकर खडूर साहिब ले गईं। गुरु अंगद देव जी ने सपुत्री से कुशल मंगल पूछा और कहा कि बेटा, जिनको साथ लेकर आई हो उनको अलग क्यों बिठाकर लाई हो। गुरु जी उन्हें अपना संबंधी जानकर आगे आकर मिले, पर अमरदास जी कहने लगे कि मैं आपका सिख बनने आया हूँ, आप मुझे उपदेश देकर अपना सिख बनाएं। लंगर के तैयार होते ही आपको लंगर वाले स्थान पर ले गए। अमरदास जी मन ही मन सोचने लगे, मैं तो कभी मांस नहीं खाता, अगर खा लिया तो प्रण टूट जाएगा, लेकिन अगर वापस कर दिया तो गुरु अपना अनादर समझकर नाराज हो जाएंगे। हाँ, अगर ये गुरु अंतर्यामी हैं, तो अपने आप ही मेरे दिल की बात जान लेंगे और लांगरी को मेरे आगे मांस रखने से मना कर देंगे। अभी आपके मन में ऐसा विचार आ ही रहा था कि श्री गुरु अंगद देव जी ने लंगर बांटने वालों को इनके आगे मांस रखने से मना कर दिया कि यह वैष्णव भोजन ही करते हैं। इतना सुनते ही अमरदास जी की खुशी का ठिकाना न रहा और मन ही मन कहने लगे, गुरुजी अंतर्यामी घटघट की जानने वाले हैं, इनको ही गुरु धारण करना चाहिए।